हम आपको ये बताएंगे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की छाया से बाहर निकल पाएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार किया, अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया, अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया। उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए भी कई चुनावों में जगह जगह जाकर प्रचार किया, क्योंकि वो स्टार प्रचारक रही हैं। लेकिन अब वो अपने लिए पहली बार प्रचार कर रही हैं, और अब देश पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा की अपनी खुद की छाप वाली राजनीति को देखने के लिए बरकरार है। पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 2014 की तस्वीर, 2005 की तस्वीरें हैं। देखिए पुरानी तस्वीरें, जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रही हैं। तो तब से प्रियंका गांधी वाड्रा कभी अपनी मां के लिए, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपनी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार करती रही। लेकिन अब उनका जो नया वीडियो आप देखेंगे, इसमें दोनों भाई बहन शायद एक बस में हैं। ये वायनाड में ही शूट किया गया है ये वीडियो, जहां बस में दोनों बैठे हैं और राहुल गांधी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के लिए सबसे सही प्रतिनिधि साबित हो सकती हैं। और राहुल गांधी जब इस सीट को छोड़ रहे हैं तो उनके मन में उनकी बहन के अलावा और कोई नाम है ही नहीं। तो ये वीडियो उन्होंने बनाया है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब एक सवाल यहां ये है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की छाया से कभी बाहर निकल पाएंगी। हर जगह अगर आप देखें हाल ही में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ ही नजर आती हैं, राहुल गांधी के साथ, और उनकी राजनीतिक छाया में ही वो नजर आती हैं। जाहिर है इसमें अभी तक कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उनकी लीडरशिप को स्वीकार करना सभी के लिए लाजमी है, चाहे वो गांधी परिवार के लोग हों या गांधी परिवार से बाहर के लोग हों। लेकिन हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पहचान ऐसी बन गई कि वो राहुल गांधी की एक प्रॉक्सी बन गई है। राहुल गांधी अगर कहीं नहीं जाएंगे तो प्रियंका गांधी चली जाएंगी, या फिर राहुल गांधी अगर किसी सीट को खाली करेंगे तो उनकी जगह फिर प्रियंका गांधी वाड्रा उस सीट से चुनाव लड़ लेंगी। और वो लगातार अपने भाई राहुल गांधी की राजनीतिक छाया में ही नजर आती है। अब आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल कितनी संपत्ति है और इस समय उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं, क्योंकि उनका ये जो एफिडेविट है ये बड़ी चर्चा में आ गया है। चुनाव लड़ने से पहले हर नेता को अपना एक एफिडेविट चुनाव आयोग में दाखिल करना होता है, और उस एफिडेविट में सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, और बाकी की भी जो डिटेल्स है आपके बारे में वो सब बतानी होती है। और जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये एफिडेविट दाखिल किया है, पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है। और इस एफिडेविट के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 2 करोड़ 24 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके बैंक खातों में 3,60,000 रुपए जमा है और 52,000 रुपए उनके पास कैश है। 1,15,00,000 रुपए की कीमत का 4 किलो 400 ग्राम सोना है और 29,00,000 रुपए की चांदी उनके पास है। 8,00,000 रुपए की एक कार है उनके पास, जो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें गिफ्ट की थी। और वर्ष 2023 और 24 में उनकी सालाना आय 46,39,000 रुपए थी, जबकि भारत में अभी एक व्यक्ति की सालाना आय सिर्फ 1,84,000 रुपए है। इसी एफिडेविट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बताया है कि उनके खिलाफ 2 FIR लंबित हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल मिलाकर 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस एफिडेविट के बाद बहुत सारे लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को करोड़पति कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी परिवार से होने के बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा के पास लोकसभा के बाकी सांसदों के मुकाबले बहुत कम संपत्ति है। बीजेपी के 240 में से 227, कांग्रेस के 98 में से 92, डीएमके के 22 में से 21, समाजवादी पार्टी के 37 में से 34, आम आदमी पार्टी के 3 में से 3, जेडीयू के 12 में से 12, टीडीपी के भी 16 में से 16 लोकसभा के सांसद करोड़पति हैं।
इसके अलावा लोकसभा में 75 सांसद तो ऐसे हैं जिनके पास 20 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 28 सांसद बीजेपी के हैं, 17 कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के और टीएमसी के 4 सांसद हैं। इसके अलावा 41 सांसद ऐसे हैं जिनके पास 50 से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इनमें 19 बीजेपी के हैं, 9 कांग्रेस के और 7 डीएमके के हैं। इन तमाम सांसदों के मुकाबले प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि उनकी एक साल की आय आम आदमी की 25 वर्षों की सालाना आय के बराबर है। लेकिन वो आम व्यक्ति इस देश की आम नागरिक नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, इसलिए ये तुलना उनके साथ थोड़ी गलत होगी। अब हम उस दावे का फैक्ट चेक करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नामांकन भर रही थी तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खड़े होकर दरवाजे से अंदर झांक रहे थे और गांधी परिवार ने उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में आने नहीं दिया या आने से मना कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और इस वजह से गांधी परिवार ने उनका अपमान किया। और अगर आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह साफ दिखता भी है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नामांकन की औपचारिकताएं पूरी कर रही थी और सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद थे, उस समय 82 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से बाहर खड़े हुए थे और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और एक कर्मचारी ने उन्हें अंदर से आने से मना कर दिया। और इन तस्वीरों को देखकर एक बार को तो ऐसा ही लगता है कि वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर नहीं है, शायद उनका अपमान हुआ है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, और इस वीडियो की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इसमें जो दिख रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं और ये दावा गलत है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अपना नामांकन पत्र दायर करना था, लेकिन पहले रोड शो और फिर रैली में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कलेक्टर दफ्तर में पहुंचने में देर हो गई। रैली में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा इस रैली को बीच में ही छोड़कर कलेक्टर के ऑफिस के लिए रवाना हो गए क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करना था। और बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर से खुद ये कहा कि जब उनकी मां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आएंगे तब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा वहां से बाहर चले जाएंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही बैठ सकते थे। नामांकन का पहला सेट पूरा होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा बाहर चले गए और सोनिया गांधी अंदर आ गई। लेकिन इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक और दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया गया। और ये तस्वीरें उसी समय की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से अंदर झांक रहे थे तब रिटर्निंग ऑफिसर उन दस्तावेजों की जांच कर रहे थे जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किया था और रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को उस समय बाहर रोका गया था। लेकिन इसके बाद पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आए और उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे और इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपना पहला नामांकन पत्र दायर किया। और इस दौरान ये नियम था कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, इसलिए जो लोग पहले से अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर आना पड़ा और जो लोग बाहर थे उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का किसी ने वीडियो बना लिया जिस पर अब हमारे देश में काफी राजनीति हो रही है, ये कहते हुए कि भाई एक दलित नेता का बहुत बड़ा अपमान हो गया। रिस्पेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एंड माय मदर ऑनरेबल सोनिया गांधी जी हियर दिस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ वायनाड Congress President and my mother and brother held up at the meeting. So if okay with you, when they come, then my son and my husband will go out and they can come. देखिए लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, भाजपा कमजोर हुई है, उत्तर प्रदेश में हारी है, तब से भाजपा हताश और निराश है, सिर फुटव्वल है।
और जनता का ध्यान लोकसभा चुनाव की हार से हटाने के लिए तरह तरह के ट्वीट करती है। कि क्या ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर भारत के ताजमहल की तस्वीर होगी और क्या इस करेंसी नोट को ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति दे दी है? 23 अक्टूबर को जब रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की बहुत चर्चा हो रही थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रशिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने इस करेंसी नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रशिया की सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था। और रशिया के मीडिया ने इस करेंसी नोट की एक तस्वीर जारी भी की जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ ताजमहल को दिखाया गया है। और अब इसे लेकर हमारे देश में भी काफी विवाद हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है। तो आज सवाल यह है कि हमारे देश का एक वर्ग ताजमहल से इतनी नफरत क्यों करता है? हमारे देश के ही कुछ लोग ताजमहल का इतना विरोध क्यों करते हैं? वो ताजमहल को भारत की तस्वीर के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि क्या इस नोट पर ताजमहल की जगह अयोध्या के राम मंदिर, अशोक चक्र या उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस नोट पर ताजमहल को दिखाना भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अपमान नहीं है? ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में ताजमहल का निर्माण कराया था, जब 38 वर्ष की उम्र में मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद 30 घंटे तक दर्द में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय मुमताज महल की मृत्यु से शाहजहां को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने सफेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण कराया जो आगे चलकर दुनिया का 7वां अजूबा बना। लेकिन आज ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर अंकित होने के बाद हमारे ही देश के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ताजमहल तो एक मकबरा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक कभी नहीं बन सकता। तो सोचिए कैसे एक नोट की तस्वीर ने ताजमहल के खिलाफ लोगों की भावना को सबके सामने ला दिया। और इससे यह पता चलता है कि भारत के कुछ लोग ताजमहल को अपने देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर नहीं देखते। हालांकि अब हम आपको उस तूफान के बारे में बताएंगे जिसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के 15 लाख लोग इस समय बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। और इस तूफान का नाम है दाना और यह नाम कतर ने दिया है जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है उदार। लेकिन हकीकत में यह तूफान उदार बिल्कुल भी नहीं है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात को जब यह तूफान उड़ीसा के समुद्री तट से टकराएगा तब इसकी गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी और इस दौरान भारी बारिश से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 23 से 25 अक्टूबर के बीच बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इस वक्त हम लोग उड़ीसा के धामरा पोर्ट के बेहद नजदीक समुद्र के किनारे हैं और तूफान के आने से पहले समुद्र में जो हलचल है वो आपको दिखा रहे हैं। लहरें यहाँ काफी तेज हो गई हैं, हालांकि ये यहाँ पर जो लहरें होती हैं बहुत कम होती हैं नॉर्मली, और लेकिन अभी बारिश हो रही है, हवाएं तेज हो रही हैं, ऐसे में लहरें भी थोड़ी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं फिशिंग जो बोट्स हैं यहाँ पर किस तरह से बांध कर रखे गए हैं, क्योंकि हवाओं में जो की गति से जो करंट है पानी में वो बेहद ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिशिंग बोट्स हैं उनको लगभग पानी अपने साथ खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बांध कर रखा गया है और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, मछुआरे थे या जो स्थानीय लोग थे, उनको यहाँ से सुरक्षित इवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। फिशरमैन को कॉल करके समझा रहे हैं आप लोग फिशिंग नहीं जाइए, आपका जो नेट है, बोर्ड है, उसको अच्छी तरह से बांध के रखिए साइड में, और जितने भी गांव है, फिशरमैन विलेज है, उसमें जाके हम हर सागर मित्र उनका अवेयरनेस कर रहे हैं फिशिंग नहीं जाने के लिए।
और जो भी प्रॉब्लम होगा साइड में जो साइक्लोन सेंटर है उसमें जाने के लिए हम कह रहे हैं। इधर थोड़ा हाई अलर्ट है, अभी प्रशासन तरफ से सभी कलेक्टर वगैरह आए थे और सभी व्यवस्था सही है और एनडीआरएफ टीम वगैरह सब सही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो समंदर है उसका कंडीशन क्या है, और यही कारण है कि दीघा जो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुरी जो उड़ीसा में है बहुत ही फेमस टेंपल टाउन है, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी बिल्कुल खाली कर दिया गया है। और हम लोग जब से आज सुबह से दीघा में आए हैं हम लोग देख रहे हैं ये जो एंटायर प्रोमिनाड है यहाँ पे खचाखच भरा रहता है, लोग इसमें भरे रहते हैं जो पर्यटक, लेकिन पूरा खाली कर दिया गया है। बार बार पुलिस की ओर से प्रशासन की ओर से यहाँ पे माइकिंग की जा रही है कि बिल्कुल बीच के पास लोग ना आए। जितने भी होटल्स है समुद्र के तट पर उन सबको खाली कराया गया है, पर्यटकों को यहाँ से निकाला गया है। आप ऐसे बहुत सारे लोग बाहर खाना खाने के शौकीन हैं और बर्गर्स के शौकीन तो बहुत सारे लोग होंगे, खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं वो बर्गर्स के बड़े शौकीन हैं। इसलिए अब आखिर में ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक वहां मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने से 49 लोग बीमार हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और इनमें भी ज्यादातर लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाया था। सोचिए अमेरिका जैसे देश में इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का बर्गर खाने से लोग अगर बीमार हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है, तो फिर भारत जैसे देश की क्या स्थिति होगी जहां बाहर का खाना खाने में लोग बिल्कुल भी एक बार भी सोचते नहीं। और इस कंपनी का जो बर्गर है हमारे देश में भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। यहां हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत में जो बर्गर आपको मिल रहा है इस कंपनी का उसमें कोई संक्रमण है या उसमें कोई मिलावट है, ये खबर अमेरिका की है। अमेरिका में इस संक्रमण की वजह से ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को जो है उसकी वजह माना जा रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, जो अमेरिका के 10 राज्यों में फैल चुका है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका में हर साल इस बैक्टीरिया के 70,000 मामले इस संक्रमण के आते हैं। इस बैक्टीरिया से प्रभावित राज्यों में मैकडॉनल्ड्स ने अपने स्टोर से क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर्स को हटा दिया है और दूसरे बर्गर से भी कटे हुए प्याज और बीफ पैटी हटा दी है। और मैकडॉनल्ड्स को शक है कि यह बैक्टीरिया कटे हुए प्याज या बीफ पैटी के जरिए फैला हो सकता है। ई कोलाई बैक्टीरिया अधपके मीट, बिना धुले हुए फल और सब्जियां या कच्चे दूध से भी फैल सकता है, और ये बैक्टीरिया पशुओं की आंतों में पनपते हैं और फिर ये पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप बाहर के खाने से बचें, ये तो सबसे पहला इलाज है। लेकिन अगर आपको खाना ही है तो अधपका मीट कभी ना खाएं, सब्जियों और फलों को के इस्तेमाल से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोएं। बाहर भी खाना खा रहे हैं तो एक बार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कीजिए कि जो खाना बाहर खा रहे हैं उसमें जो फल इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, वो ठीक साफ सुथरी ठीक क्वालिटी की हो। हालांकि जिस समय हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब हमारे देश में केवल आज के दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया होगा या वो अब भी इस बर्गर को खा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, बाहर का खाना जब भी आप खाएं बेहद सावधान होकर खाइए। हमेशा याद रखें जिंदगी आपको कुछ साल के लिए लीज पर मिलती है, इसकी रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े।